Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel and आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2019 की डेली करंट अफेयर्स क्विज। आप जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे। देखिए जैसा कि मैंने कहा सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ये उपलब्ध हो जाती हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करके कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके आपके लिए लाऊं। तो एटलीस्ट आप लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोगों को मतलब ये वीडियो सही लग रहा है ताकि मैं उसमें कुछ और अपडेट कर पाऊँ। एंड चलिए अब हम शुरू करते हैं और हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे 4 जनवरी। देखिए करेंट अफेयर्स पार्ट से आप मुझे बताइए किस बैंक के सीईओ एंड एमडी शिखा शर्मा 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हो गई। सेकेंड क्वेश्चन, 1 जनवरी 2019 से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपैक का सदस्य नहीं होगा। एंड थर्ड वन, किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने करंट अफेयर्स पार्ट में कवर किया था। ठीक है, अब देखो स्टैटिक में आप मुझे बताओ कंजिया झील, अनसुपा झील और बालीमेला जलाशय। एक हिंट देती हूँ, ये तीनों एक राज्य में है। अब बताओ मुझे कि ये किस राज्य में है। ठीक है, तो आज के बनते हैं 4 क्वेश्चन। एंड कल आप लोगों ने जितने भी आंसर्स दिए थे ना, मोस्टली के आंसर सही थे। बहुत अच्छी बात है ये कि आप इतने ध्यान से वीडियोस देख रहे हो। एंड आप आज के 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा। कल के मैं आंसर्स बता दूँ, अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किनके द्वारा की गई थी। तो जैसा कि हमारे मोदी जी अंडमान निकोबार की 1 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ उन्होंने इन 3 द्वीपों के नाम बदले हैं, तो ऑप्शन तो मोदी जी के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली इंडियंस नाम की जो एक बुक आई है इनके लेखक का क्या नाम है, तो ये है टोनी जोसेफ। एंड स्टैटिक से मैंने आपसे पूछा था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। अब हम शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज। देखिए आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, नैना दुबे आप अगर सर्च करोगे तो आप मुझे मेरे प्रोफाइल में फॉलो कर पाएंगे। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जस्टिस आसिफ सैयद खोसा ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। तो देखिए ये बने हैं पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश है और 18 जनवरी 2019 को ये अपना पद संभालेंगे और ये साकिब निसार की जगह लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब देखिए जैसे कि हम जान रहे हैं सरस्वती नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है और 11 परियोजनाओं के लिए जिस राज्य ने मंजूरी दी है ये है हरियाणा। ऑप्शन है हमारे ए हरियाणा। हरियाणा के द्वारा ये किया गया है। इसमें जोम्ब नदी पर जो सोम नदी पे वहाँ जो सरस्वती बैराज है, सरस्वती जलाशय है और वहाँ जो बद्री बांध है उनका निर्माण इन सब में शामिल है ये 11 परियोजनाओं के तहत। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दी मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके अंदर की, बट आप ये ध्यान रखिए कि सरस्वती नदी की जो कायाकल्प की जिम्मा संभाल रहे हैं वो हरियाणा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSU तेल कंपनी EIL एंड किस IIT के बीच IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है इंजीनियरिंग के संस्थान के बीच तेल गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये IIT बॉम्बे के साथ किया गया है। ऑप्शन है ए IIT बॉम्बे। देखिए तेल गैस और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से यह हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए कि ये सतत समाधान विकसित करने की दिशा में ये काम करेगा, तो ये सारे इसके उद्देश्य है। ये IIT बॉम्बे इसमें शामिल है। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस 2017 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है जयंत कुमार घोष। ऑप्शन है हमारे ए। और ये जियो स्पेशलिस्ट अवार्ड से इन्हें जो सम्मानित किया गया है ये अभी IIT के प्रोफेसर है, ये चीज़ आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। एंड इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग है क्या? देखिए ये एक अंतरिक्ष विज्ञान, रिमोट सेंसिंग एंड भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जाने जाने वाला एक संगठन है। ठीक है, और इनके द्वारा जियो स्पेशलिस्ट अवार्ड जो है जयंत कुमार घोष को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है प्रमोद कुमार सिंह, हमारा ऑप्शन है ए प्रमोद कुमार सिंह। एंड देखिए, इसके पहले वो वहाँ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वहाँ के ये सलाहकार थे, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में ये 2003 में स्थापित हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोच रमाकांत आचरेकर का संबंध किस खेल से था? देखिए, कोच रह चुके हैं ये रमाकांत आचरेकर, इनका निधन हो गया है 2 जनवरी 2019 को मुंबई में, और पूछा जा रहा है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट के कोच रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के ये क्रिकेट के कोच रहे हैं। इन्हें 1990 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2010 में पद्मश्री मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध निर्माणी महानिदेशक और आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? आयुध निर्माण बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, तो इसके पदभार के जो अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है ये है सौरभ कुमार, ऑप्शन है हमारे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, RBI ने MSME जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए उन्होंने उनके पुनरुद्धार के लिए व्यापक समाधान की समीक्षा और प्रस्ताव के लिए उन्होंने एक 8 लोगों का एक विशेषज्ञों का ग्रुप बनाया है। अब इसके अध्यक्ष जो होंगे इनका नाम है UK सिन्हा, ऑप्शन है हमारे ए। UK सिन्हा को MSME के इस 8 ग्रुप के जो पैनल मेंबर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नवीन पटनायक ने लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों के समग्र विकास के लिए 10,180 करोड़ रुपए की योजना स्टार्ट की है, ठीक है। तो देखिए, ये उड़ीसा में किया गया, नवीन पटनायक जैसे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, इन्होंने किसानों की सुविधा के लिए ये योजनाओं का स्टार्ट किया है एंड इसमें 57 लाख किसानों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा होगा, ठीक है, और 0% इंटरेस्ट पर इन्हें फसल के लिए ऋण दिया जाएगा। ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। इस पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे हो नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, इस योजना के बारे में बताते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, किस राज्य की महिलाओं ने सबरीमाला विरोध के खिलाफ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है? देखिए, जैसा कि जब हमारे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी थे तो उन्होंने कहा था कि अब सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी जा सकेंगी, बट इस पे बहुत दिन से अभी तक विरोध है, वो चीज़ें चल नहीं रही है। तो इसके लिए अभी महिलाओं ने उस विरोध के खिलाफ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए 620 किलोमीटर की लंबी दीवार बना दी है, ठीक है। तो देखिए, ये किया गया केरल की महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन है बी हमारा केरल। एंड 1 जनवरी को ये केरल की जो महिला है उन्होंने इस चीज़ों को चलाए रखने के लिए, मतलब महिलाओं में जो लैंगिक समानता है और पुनर्जागरण मूल्यों को बनाए रखने के लिए उत्तरी केरल के दक्षिण जिले में जहाँ तिरुवनंतपुरम में जो खासर गौड़ जो जगह पड़ती है वहाँ से उन्होंने 620 किलोमीटर की दीवार उठा दी है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कृषि कृषक बंधु योजना के एक हिस्से के रूप में किसानों के लिए 2 कल्याणकारी पहल की घोषणा की है? तो इसमें ध्यान ये रखना है कि कृषि कृषक बंधु योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है। तो ये चलाया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, ऑप्शन है हमारे ए। अब इसके तहत इन्होंने 2 कल्याणकारी पहल की घोषणा की है। इसमें पहला पहल जो है ये है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के जो किसान हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से तो उनके परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे। ये 1 फरवरी 2019 से ये आवेदन इसके लिए शुरू हो जाएगा। और जो दूसरी पहल है वो है कि इन्हें 1 एकड़ ज़मीन पर एक ही फसल को उगाने के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये मिलेंगे। ये भी 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो और ये ध्यान रखिए कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन्होंने इनकी घोषणा की है। और ये चीज़ें तो हम जान रहे हैं कि वहाँ जो किसानों के कर है वहाँ ऑलरेडी माफ़ कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने किसको अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है, मतलब आरबीएल के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है पंकज शर्मा, ऑप्शन है ए। और इससे पहले ये एक्सिस बैंक का परिचालन कर रहे थे, और आरबीएल बैंक जैसे कि हम जान रहे हैं इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड इसके जो एमडी एंड सीईओ है इनका नाम है श्री विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये पंजाब की सरकार ने कहा है, और पहली पहल जो होगी वो वहाँ के सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उनके उच्चतर कक्षा के जो छात्र हैं और कॉलेज एंड जितने भी तकनीकी संस्थान हैं वहाँ के बच्चों को पहले ये दिया जाएगा। तो ये पंजाब की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वहाँ स्मार्टफोन का वितरण होगा, ऑप्शन है हमारे डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और किस तीसरे बैंक के विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी प्रदान कर रही है? ये बहुत दिनों से न्यूज़ में थी कि इन तीनों बैंक का जो विलय हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और थर्ड है आपका विजया बैंक, ऑप्शन है हमारे बी विजया बैंक, इन तीनों का विलय हो जाएगा। तो आज ऑफिशियली इसे मंजूरी दे दिया गया है, 2 जनवरी को इसे मंजूरी दे दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये जो तीसरी बैंक है ये है विजया बैंक, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं? तो देखिए जैसे कि हम जान रहे हैं कि मुफ्त गैस कनेक्शन जो दिए जा रहे थे ये मिला है आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, ऑप्शन है हमारे ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र को सरल बनाते हुए नई ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी दी है? मतलब मान लीजिए अगर टीचर्स के जो ट्रांसफ़र्स होते थे तो कहीं किसी राज्य में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, इन्होंने पहली बार ये स्टार्ट किया है, और ये राज्य है पंजाब, और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो गए हमारे सी पंजाब। एंड द लास्ट वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106 इनकी एडिशन हो जा रही है इसमें, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये भी इन्होंने पंजाब में किया है, ऑप्शन है सी पंजाब। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 4 जनवरी 2019 के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।